हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कंट्रोल में। मैं हूँ चेतना पटेल और आज मैं वापस आपके लिए और एक रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे गार्लिक मिर्चा पराठा। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी लगता है। जब आपको सब्जी बनाने का मन ना हो या आपको बस थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ काम खाना हो, तब भी आप बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और घर में मिलते इंग्रीडियंट से बन जाता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए सूजी। सूजी यहाँ पे मैंने 1/8 कप लिया है, इसका मतलब है 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सूजी लिया है। आपको बारीक वाली सूजी लेना है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप मैदा। मैदे की जगह आप व्हीट फ्लार भी ले सकते हैं, फाइन वाला आटा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैंने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, एकदम फाइन वाला, जो हम रोटी बनाते हैं वही लेना है। इसी के साथ इसमें मैंने लिया है चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक लिया है और इसे मैंने क्रश कर लिया है। आप इसकी जगह ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो आप मिक्स हब भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा चाहिए हमें काफ़ी सारा धनिया और बटर। बटर आपको रूम टेम्परेचर वाला लेना है, ठंडा नहीं लेना है, वो खास ध्यान रखना है। अब हम बना लेते हैं आटा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। यहाँ पे 1/2 कप मैं मैदा ले रही हूँ, इसकी जगह आप पूरा गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल, अंदाज से लेंगे तो भी चलेगा। इसी के साथ इसमें जाएगा नमक, थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि बटर में भी नमक आएगा, तो 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हमारे तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। और पराठे जैसा सॉफ्ट डो तैयार करना है, बहुत हार्ड नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमने आटा तैयार कर लिया है, पर इसे अच्छे से मसल के तैयार करना है ताकि इसमें अच्छे से ग्लूटेन क्रिएट हो और हमारा जो पराठा है वो एकदम सॉफ्ट और बढ़िया बने। तो अच्छे से मसल के तैयार करना है। आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे तेल से हाथ गीला कर ले चिकना कर लेती हूँ। अब क्या करेंगे, इसे गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हम बना लेते हैं गार्लिक बटर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून बटर। यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। इसके साथ इसमें मैं डाल देती हूँ चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिक्स हब। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सीजनिंग ले सकते हैं या आपके पास अगर ओरिगानो है तो ओरिगानो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, काफ़ी सारा लहसुन ले रही हूँ, इसी से अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 1 टेबल स्पून। मिर्ची का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, ये जो बटर है वो रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, तभी जाके ये अच्छे से मिक्स होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ये फ्लेवर वाला बटर बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे ब्रेड के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं। दस मिनट हो चुके हैं, अब इसे एक बार वापस मसल लेते हैं। थोड़ा सा तेल नीचे लगा देते हैं ताकि चिपके नहीं। अब इसे वापस एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। एकदम सॉफ्ट डो तैयार होना चाहिए। आप देख सकते हैं डो हमारा एकदम स्मूथ रेडी हो चुका है। अब इसके बड़े लुए तैयार कर लेते हैं। अब इसे बेल लेते हैं, आटे में रोल करके बेलना है इसे। और एक साइड में गैस ऑन कर देती हूँ। अब इसे बेल लेते हैं। पतला रोटी तैयार करना है। ज्यादा आटा लगाने की जरूरत नहीं है। इसे पतला बेलना है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने जो हर्ब बटर बनाया था, जो गार्लिक वाला बनाया था, वो स्प्रेड कर देते हैं। ये जो पराठे हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे सब्जी के साथ खा सकते हैं, इवन आप जब ट्रैवल कर रहे हो तब भी साथ में ले जा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आटा रख देती हूँ। इसी के साथ मुझे धनिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा और धनिया डाल रही हूँ। एक धनिया डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ इसमें काफ़ी सारा। अब इसे फोल्ड करना है। वापस इसे ले जाएंगे इस तरह से, जैसे हम छोटे थे तब पंखा बनाते थे, बस वैसे ही इसे फोल्ड करना है। अब इसे थोड़ा सा लंबा कर देंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है, धनिया वाला जो पोर्शन है उस साइड ही हमें फोल्ड करना है इस तरह से। बच्चे धनिया नहीं खाते हैं, इस तरह से आप इसे काफ़ी सारा खिला सकते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे ऐसे नीचे की साइड रख देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब इसे प्रेस करना है हाथ की मदद से। अब इसे बेल लेते हैं। हल्के हाथ से बेलना है, जरूरत लगे तो आटा ऐसे रख सकते हैं। और
और थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, एकदम पतला बेलना नहीं है। ये जो पराठे हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे चाय के साथ सर्व करें, इवन आप दाल सब्जी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, इवन कड़ के साथ दही के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे सेक लेते हैं। एक साइड सिक चुका है, अब इसे पलटा देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। ऊपर की साइड हब वाला जो हमने बटर बनाया था, गार्लिक बटर बनाया था, वो रख देते हैं, लगा देते हैं। अब इसे पलट देते हैं और ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा एक गार्लिक वाला जो बटर था वो लगा देंगे। घी के बटर के साथ सेका हुआ गार्लिक बहुत ही टेस्टी लगता है। वापस इसे पलट देते हैं। देख सकते हैं इसकी जो लेयर्स है वो एकदम अच्छी दिख रही है। आप देख सकते हैं हर एक लेयर इसे खुल के रेडी हुए हैं। इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे अच्छे से सेक लेते हैं। पराठा हमारे रेडी है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लेयर्स तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं डिश में रख देती हूँ, बढ़िया रेडी। आप ये पराठा जरूर ट्राई करें, आप इसे दाल मखनी, दाल फ्राई, सब्जी या दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।